जय श्री शंभू, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पे इलियट वेव थ्योरी की। तो अभी हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में, और देखिए यहाँ पे हमने लास्ट टाइम टू पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, करेक्शन और न्यू हाई। तो हमने जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी करेक्शन की, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हम क्या मान के चल रहे थे, हम जो डिस्कशन कर रहे थे इसमें, हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो हमारी लास्ट सी वेव है करेक्शन की, उसको हम ऐसे काउंट करके चल रहे थे, 1 2 मे बी ये 3, और ये शायद ऊपर की तरफ 4 के लिए आया है और फिर ये वापस नीचे आएगा। लेकिन हमने उसका एक पॉइंट लगाया था कि अगर उसके ऊपर चला गया तो हम मान के चलेंगे कि ये सी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अभी के लिए फिलहाल ये सी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अभी हम न्यू इम्पल्स में चल रहे हैं, ये हम मान के चलेंगे। तो हमने ये टारगेट लगाया था मैक्सिमम टारगेट ऑफ वेव 4 37,319। तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे भी आया, देखिए इसका यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अब इसका हमारा ये चीज खत्म हो गई कि ये हमारी सी वेव की फोर्थ वेव है, ये बात अब हमारी खत्म हो गई, ये कॉन्सेप्ट अब हमारे यहाँ से अभी फिलहाल हट गया है। तो अब इसके हिसाब से अभी तक हम इस बैंक निफ्टी की थोड़ी स्टडी निफ्टी से थोड़ी सी अलग इसलिए कर रहे थे क्योंकि मे बी हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका निफ्टी में पहले ही ब्रेक हो चुका था। निफ्टी में जो पॉइंट था 17,000 नियर अबाउट का, इसका थोड़ा लेट ब्रेक हुआ है और यहां पर इसका ये ब्रेकआउट हो चुका है अब। तो अब हम इसका क्या करेंगे निफ्टी के साथ कोरिलेशन में, क्योंकि ये देखिए ये भी गैप अप ओपन हुआ उस दिन और नीचे आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसका थोड़ा सा निफ्टी के साथ रिलेट करके फिर इसकी स्टडी करते हैं। तो हमें थोड़े इसके काउंट अब चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए इसके काउंट थोड़े चेंज कर देते हैं। तो अभी इसका हमारा ये मेन अकाउंट चेंज हो जाएगा, अभी हम इसको पूरा यहां से यहां तक ये 1 ले लेंगे। ऑब्वियसली हमारे टारगेट भी चेंज हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अब हमारा जो सी वेव का टारगेट हो जाएगा, सॉरी थर्ड वेव का, ये हमारी 1 कंप्लीट हो गई, ये अभी थर्ड में चल रहे हैं हम। तो इसका अब जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा हमारा यहां तक का आ रहा है 42,386। ये हमारा इसमें टारगेट आ रहा है थर्ड वेव का। तो अभी और सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारा इसमें क्या हो सकता है, या अभी मार्केट करेक्शन में आएगा या क्या होगा। देखिए मेन मेन करेक्शन ये वाला खत्म हो गया है, बट अभी ये जो इंपल्स चल रहा है इसका करेक्शन जो आता है मेन, अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा, अगर हमें ये देखना है कि हम बेयर ट्रेंड में दोबारा से आ गए, उसके लिए तो इसको ये जो लोअर पॉइंट है ये ब्रेक करना पड़ेगा दोबारा, तभी हम मानेंगे कि हम मतलब एक बेयरिश ट्रेंड में प्रॉपर चल रहे हैं। इसके अलावा हम साइडवेज में भी हो सकते हैं, या फिर एक चैनल में भी चल सकते हैं, या थोड़े बुलिश भी हो सकते हैं, वो अलग मैटर है। तो डिफरेंस समझिए, हम अभी इसके बाद करेक्शन की, इस वाले करेक्शन की, ये जो मूव है इसके करेक्शन की बात करेंगे। और अगर इसके नीचे जाता है या इस पॉइंट के नीचे जाता है तो हम मान के चलेंगे मे बी शायद ये थोड़ा करेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो फिर हम उसको फुल बेयर ट्रेंड की तरफ देखेंगे, बेयर ट्रेंड की तरह देखेंगे। तो अब हम चलते हैं डे आवरली टाइम फ्रेम में, और यहां से पहले हटा देते हैं हम ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा। देखिए लास्ट टाइम हम कहां पर थे, लास्ट टाइम हम थे इस पॉइंट पे। तो हम मान के चल रहे थे कि हमारी यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे थर्ड को कंप्लीट नहीं किया, ये थर्ड इसने दिया ऊपर तक का टारगेट। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका टारगेट देख लेते हैं। ये जो थर्ड वेव चल रही, थर्ड के अंदर की जो थर्ड वेव चल रही थी, हमने इसको टारगेट डिसाइड किया था वो। तो देखिए ये हमने यहाँ तक इंडिकेटर से, सॉरी इस टूल से हमने ये देखा था कि इसका टारगेट यहाँ तक आ रहा है 1.618, यहाँ तक आ रहा है। इसका नेक्स्ट टारगेट 2.618 होता है, और उससे नेक्स्ट होता है 3.618। तो इसने इसका ब्रेकआउट किया, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे तो इसका फेक ब्रेकआउट किया और फिर नेक्स्ट डे की कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई, तो ये फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसको सेट कर लेते हैं कि हमारे थर्ड का टारगेट अब ये निकल के आ रहा है, तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। फोर्थ और फिफ्थ की बात हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी हम थर्ड में चल रहे हैं। तो देखिए इसमें बैंक निफ्टी में हम तीन कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने निफ्टी में की थी अभी करेक्शन की, और एक हमने बुलिश की डिस्कस की थी, और एक और कंडीशन है जो हमारी निफ्टी में भी रह गई है, तो इसमें हम समझ लेंगे उसको भी कि वो कंडीशन तीसरी क्या है, वो निफ्टी में भी हमारी वर्क करेगी। तो देखिए यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हमारी, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले में तो हमारा
ये हमारा वन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये इसकी सेकंड कंप्लीट हो गई, और ये ऊपर थर्ड की नहीं जाएगा, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ ऐसे करके जाएगी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले तो इसको थोड़ा थिन करते हैं, फिर इसका कलर चेंज करते हैं और कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मे बी हमारा ये करेक्शन सेकंड सेकंड वेव कंप्लीट हो गई है, ओके। तो सेकंड वेव कंप्लीट हो गई है तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ये हम थर्ड वेव की थर्ड वेव के लिए ऊपर जाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी आप ध्यान से सुनिएगा, मे बी इसकी ये थर्ड वेव कंप्लीट हो गई, अगर सॉरी मे बी इसकी ये सेकंड वेव जो कि रिट्रेसमेंट था या करेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी अगर ये कंप्लीट हो गया है तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखिए यहां पे टूल लाएंगे, यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे, तो देखिए इस टूल के अकॉर्डिंग 1.618 का इसने करेक्शन कंप्लीट किया, यहां पर इसने ये करेक्शन कंप्लीट किया इस पॉइंट पे, ये जो हमने मार्क कर दिया है और अब ये ऊपर जा रहा है, इसकी कंडीशन पहली ये हो गई। तो ये हमारी क्या थी, करेक्शन इसने कैसे कंप्लीट किया, ए बी और ये सी इसने करेक्शन कंप्लीट कर लिया, पहली कंडीशन ये हो गई हमारी, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन तो अब अगर ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा हमें, मतलब हम न्यू इंपल्स में आ गए थर्ड वेव की, थर्ड वेव के लिए ऊपर बुलिश की तरफ जा रहे हैं, तो बुलिश की तरफ जा रहे हैं, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, ये जो हमारा हाई है इसका ब्रेकआउट होना चाहिए और इसका ब्रेकआउट होने के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ओके। सस्टेन का मतलब आप समझ चुके होंगे, पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर रिटेस्ट करके और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई एक, अगर ये मार्केट ने यहां पे इसका करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर करेक्शन कंप्लीट नहीं किया है तो ये हमारा फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कहां पे आ जाएगा, सॉरी ये इस पॉइंट से हटके ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद अगर कंप्लीट नहीं हुआ है करेक्शन तो ये मार्केट क्या कर रहा है, अभी ये इसने ए बनाई है यहां पे, तो ये बी के लिए ऊपर जाएगा और ये फिर सी नीचे लेके आएगा और इसको हम डिलीट कर देंगे ये, तो क्या करेगा करेक्शन के लिए अभी ये नीचे आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं अगर ये ऊपर जा रहा है और इसको करेक्शन के लिए, मतलब अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है करेक्शन, सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारा सेकंड कंडीशन में करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये बी के लिए ऊपर जा रहा है ये हम मान के चल रहे हैं, तो ये बी के लिए कितना ऊपर जा सकता है, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और यहां तक लगाएंगे, तो इसका देखिए मैक्सिमम टारगेट जो है बी का वो यहां तक का रहेगा 38,480। देखिए कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा यहां पर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए अगर इसको करेक्शन के लिए नीचे आना है, जा सकता है लेकिन फेक ब्रेकआउट करके नीचे वापस आ जाएगा, तो हम मान के चलेंगे कि मे बी शायद नीचे अभी अपनी सी वेव के लिए जा रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी वन वेव है और ये टू के लिए नीचे आ रहा है, टू का करेक्शन, हम बेयरिश नहीं है बट टू के करेक्शन की बात कर रहे हैं, टू का करेक्शन आ रहा है, फिर ये नीचे फिर ये ऊपर जाएगा थर्ड वेव के लिए, हम ये मान के चल रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो हम टू के करेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी ये जो इंपल्स न्यू शुरू हुई है उसके टू की बात कर रहे हैं, टू का करेक्शन कहां तक आ सकता है, तो अगर इसने टू वाली वेव का करेक्शन कंप्लीट नहीं किया है तो ये नीचे जाएगा और इसका हमें पता कब चलेगा, अगर ये 38,480 से रिवर्स होता है, तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये इसका मैक्सिमम टारगेट है कि हाँ यहां से ये मैक्स जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं जा सकता है, ये यहां से भी अभी भी रिवर्स हो सकता है, यहां से अगर ये नीचे आ गया तो भी हम यही वाली कंडीशन मान के चलेंगे, क्योंकि ये सब इसके टारगेट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरे 0.786 का ही टारगेट देगा, इससे पहले भी रिवर्स हो सकता है, बट ये मैक्स है एक इसका टारगेट। टू बात मतलब टू कंडीशन वाइज डिस्कस हो गई, अब हम करते हैं तीसरी कंडीशन डिस्कस। देखिए तीसरी कंडीशन ऐसी है, उसमें क्या है कि देखिए ये जो हमारा हम इसको जो वन वे मान रहे हैं यहां से यहां तक की, अगर हम इसको वन वे मान रहे हैं तो मे बी शायद अभी ये हमारी वन वे कंप्लीट नहीं हुई है, मे बी ठीक है। वो कैसे, अगर ये एम पैटर्न बनाता है, अगर ये एम पैटर्न बनाने ऊपर जा रहा है
और ये अगर ऐसे रिवर्स होता है उस कंडीशन के लिए है ये वाली कंडीशन, और सेम कंडीशन हमारी निफ्टी में भी वर्क करेगी। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट वेव है तो ये कैसे चलेगी, ये भी ऐसी चलेगी ना 1 2 3 4 5 ओके। तो इसके अंदर अगर हम ये लगाते हैं 2 तो हम इसको मान रहे हैं 1 2 ये 3 और मे भी शायद ये 4 और ये 5, ये 5 मे भी शायद ऊपर भी जा सकती है, वो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी m की, अगर इसको m बनाना है तो एक ट्रंकेटेड फिफ्थ होती है, उसमें क्या होता है उसका फिफ्थ का जो टारगेट है वो थर्ड के इक्वल रहता है, क्या रहता है थर्ड के इक्वल रहता है, और थर्ड के इक्वल से और फिर वो रिवर्स हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी वन कंप्लीट कहाँ होगी, फिर हमारी वन कंप्लीट होगी अगर ये थर्ड कंडीशन हमारी वर्क करती है तो हमारी वन कंप्लीट होगी यहाँ पे, और जब वन कंप्लीट होगी तो क्या होगा उसके लिए सेकेंड वेव आएगी नीचे, फिर हमारा करेक्शन आएगा नीचे की तरफ। तो अगर ये नीचे की तरफ आता भी है तो अभी हमारे पास बहुत सारे करेक्शन बाकी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम दोबारा से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉइंट इसलिए आपको बताया गया है। देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कहने का ये मतलब है कि आपको एकदम से बेयरिश नहीं होना है अभी, और ना ही आपको एकदम से बुलिश होना है। ये आपको ये कंडीशन इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हो गई है यहाँ पर, या तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाके रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगा, ये हो गई कंडीशन। एक कंडीशन ये हो गई कि अभी हमारा वन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ए बी और सी ऐसे नीचे आएगा, और एक कंडीशन ये हुई हमारी कि अभी वन कंप्लीट ही नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट कैसे आएगा, ऊपर गया ये नीचे गया, ये यहाँ पे एम पैटर्न, और फिर ये नीचे आ जाएगा ऐसे करके, तो ये एम पैटर्न बना सकता है नीचे की तरफ। तो ये हमारी 3 कंडीशन डिस्कस हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।